हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. आई एम स्वीटी. सो इन दिस वीडियो आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ सारा अली खान इंस्पायर्ड मेकअप लुक. आई होप ये लुक आपको पसंद आएगा. सो अगर आप देखना चाहते हैं ये लुक मैंने कैसे क्रिएट किया, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए यूज़ की हूँ फेसेस कनाडा की हाइड्रो मॉइस्चराइजर. नेक्स्ट मैं अपने सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपने आई मेकअप से. तो बेस के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ मेबलिन की फिट मी कंसीलर एंड इसे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी अप्लाई करके. नेक्स्ट इसे सेट करने के लिए अपने आईलिड को सेट करने के लिए यूज़ की हूँ लैक्मे की रोज़ पाउडर. सो इसे मैं अच्छे से सेट कर लूँगी. नेक्स्ट मैं आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी की 36 फॉर एवर आई शेडो पैलेट. सो इसमें से मैं ये ब्लू शेड लेके पर्पल ब्लूइश शेड लेके इसे अपने आउटर वी पे अप्लाई कर रही हूँ. एक डेप्थ देते हुए आउटर वी पे मैं हाफ आउटर वी पे से अप्लाई करूँगी जैसा कि आप देख रहे हो. एंड अच्छे से ब्लेंड करना है, ब्लेंडिंग बहुत ही जरूरी होता है गाइस. सो इसे अच्छे से अप्लाई करना है. नेक्स्ट मैं एन के पैलेट लेके आई शेडो पैलेट लेके इसमें से पिंक शेड लेके इसे मैं अपने इनर आउटर वी पे अप्लाई कर रही हूँ. एक ब्रश की हेल्प से सबको अच्छे से मर्ज कर लूंगी दोनों कलर को. सेम पैलेट से ये सिमरी शेड अपने लेके मैं अपने मिडिल आईलिड पे से अप्लाई कर रही हूँ एंड सेम ब्रश की हेल्प से सबको मर्ज कर ले रही हूँ, अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ सबको. नेक्स्ट मैं प्राइमर के लिए यूज़ की हूँ मेबलिन की मास्टर प्राइम. सो आपके ये रेडनेस को कम करता है, हाइड करता है एंड आपके पोर्स को बहुत अच्छे से क्लोज करता है. गाइस मुझे बहुत पसंद आ रहा है ये प्राइमर एंड मैं आपको भी हाईली रिकमेंड करती हूँ. सो ये मुझे बहुत सही वाला लग रहा है एंड जिनकी ड्राई स्किन है उनके लिए भी बहुत ही अच्छा है. सो नेक्स्ट मैं फाउंडेशन के लिए यूज़ कर रही हूँ मेबलिन की फिट मी फाउंडेशन. सो अपने फेस पर डॉट डॉट करके एंड देन ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे ब्लेंड कर लूँगी. एंड गाइज मैं जितने भी प्रोडक्ट यूज़ की हूँ इस लुक में सारी की डिटेल एंड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेकआउट कीजिएगा. नेक्स्ट मैं सेम कंसीलर को यूज़ कर रही हूँ एंड इसे मैं अपने हाईलाइटिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे कोई भी डार्क सर्कल वगैरह नहीं है. सो इसे मैं अपने यूज़र प्लेस पे अप्लाई कर रही हूँ. देन मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से. नेक्स्ट मैं कंसीलर को सेट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ सेम लैक्मे की रोज़ पाउडर. तो जहाँ जहाँ कंसीलर लगाई थी मैं वहाँ अप्लाई करके देन अपने पूरे फेस को भी इसी से सेट कर लूँगी. नेक्स्ट मैं सेम पैलेट ले रही हूँ एनके की. तो इसमें से मैं ग्रीन शेड लेके अपने लोअर लैशेस पे स्मज करूँगी. एंड गाइस इसमें जो सारा अली खान की जो आई मेकअप बहुत ही कलरफुल है एंड मुझे बहुत ही सही अच्छा लग रहा था, तो सोची मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ. नेक्स्ट मैं ये फेसेस कैनरा की ये आई पेंसिल ले रही हूँ ग्रीन कलर. सो इसे मैं अपने लोअर वाटर लाइन पर अप्लाई की हूँ. नेक्स्ट मैं सबसे पहले अपने आई लैसेस को कर्ल कर लूँगी एंड देन मैं अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे मेबलिन की लैस सेंसेशन मस्कारा. एंड मैं यहाँ पे कोई फॉल्सेस अप्लाई नहीं करूँगी. सो मुझे इसमें ऐसा बहुत ही नेचुरल उनका आई लैसेस लग रहा था, सो इसलिए सो एंड इसे मैं अपने अपर एंड लोअर लैसेस पे अप्लाई कर लूँगी. 2 से 3 कोट मैं अप्लाई करूँगी मस्कारा की. नेक्स्ट मैं आईब्रो को फिल करने के लिए यूज़ की हूँ फेसेस कनाडा की आईब्रो पेंसिल. नेक्स्ट मैं अपने फेस को कंट्रोल करने के लिए यूज़ कर रही हूँ मेबलिन की मास्टर कंट्रोल पैलेट. तो इसमें से कंट्रोलिंग शेड लेके मैं अपने फेस को कंट्रोल करूँगी एंड थोड़ा शेप दूंगी अपने फेस को, अपने फोरहेड को, जॉ लाइन को एंड अपने नोज को भी मैं कंट्रोल करूँगी. ब्लश के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ फेसेस कनाडा की ब्लश
एंड ये कोरल पिंक शेड है, बहुत ही अच्छा है। सो इसे मैं अप्लाई कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं हाइलाइटिंग लिए यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड की हाइलाइटर, एंड अपने यूज़र प्लेस पे हाइलाइट कर लूँगी। मैं अपने ब्राउ बोन को भी हाईलाइट करूँगी एंड अपने आईज़ के इनर कॉर्नर को भी हाईलाइट कर लूँगी। नेक्स्ट लिपस्टिक के लिए यूज़ कर रही हूँ पर्पल की अल्ट्रा एचडी मैट लिपस्टिक, सो इसे मैं अप्लाई कर लूँगी। एंड नेक्स्ट मैं वेट एंड वाइल्ड की लिप ग्लॉस लगा रही हूँ, क्योंकि इसमें मुझे सारा अली खान के ग्लॉसी लिप लगा उनका, सो इसलिए मैं अप्लाई कर रही हूँ एंड लाइट अप्लाई करूँगी मैं। नेक्स्ट मैं सेटिंग स्प्रे के लिए यूज़ कर रही हूँ मेबलिन की सेटिंग स्प्रे, मैं भूल गई थी पहले यूज़ करना। सो दिस इज़ द फाइनल लुक। मैं यहाँ पे चोटी बना लूँ जैसे उन्होंने बनाया हुआ है, एंड मैं यहाँ पे मेरी जो हेयर है वो आगे से छोटा है तो इसलिए इस टाइप का निकल गया है छोटा छोटा हेयर। सो गाइस, सो दिस इज़ द फाइनल लुक। आई होप आपको मेरा ये लुक पसंद आएगा। अगर अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में गाइस। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।